दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम इस समय उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जहांगीरपुर कस्बे में आए हैं, जो सेकंड हैंड जनरेटर्स का सबसे बड़ा बाजार कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारे तरह के जनरेटर्स दिखाए जाएंगे। 10 केवी से लेकर 125 केवी तक के जनरेटर्स आपको दिखाई जाएंगे। आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जाएगा जिस पर आप कॉल करके इनकी और जानकारी ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। ये महिंद्रा में रहेगा जी, ये पूरा 20 केवी रहेगा। इसका मॉडल नंबर है 3305-3305। मैं इसको अंदर से दिखाता हूँ। अच्छा, मॉडल नंबर लिख रहा होगा इस पर? हाँ हाँ लिखा हुआ होगा। ये अंदर का थोड़ा नज़दीक से दिखा दो। वॉशिंग नहीं हुई है, धुलाई होगी, हो जाएगी। अल्टीनेटर इसमें क्रॉम्पटन कंपनी का रहेगा। अगर कस्टमर कई बार चाहता है कि इस पर पेंट कर दो, ये पैनल रहेगा जी इसका जी, और अल्टीनेटर क्रॉम्पटन कंपनी का रहेगा जी। और मैं वो दिखवाता हूँ आपको जो 3305 कहाँ लिखी आएगी जी, है ना। चलिए, अच्छी कीमत क्या बताई थी इसकी? ये हमें केवल 1,30,000 रुपये का पड़ेगा साइलेंट में, और अगर ओपन में कस्टमर लेना चाहेगा तो 1,05,000। को नज़दीक से ये दिखाइए कस्टमर को। 3305 लिख रहा होगा ना पीछे? देखिए 3, ये मॉडल नंबर लिख रहा है 3305। जिस पे 3305 लिखा आएगा वो हमारा 20 केवी रहेगा कंपनी से। बोलो। ये महिंद्रा कंपनी का रहेगा जी, 2 सिलेंडर रहेगा, 10 केवी रहेगा। और इसका अगर हम मॉडल की बात करें तो 2014 मॉडल रहेगा। अल्टीनेटर इसमें क्रॉम्पटन कंपनी का रहेगा जी। और प्राइस की बात करें तो 1,35,000 रुपये का रहेगा। इसी में थोड़ा नीचे मॉडल में हम आ जाएंगे तो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। बाकी सेट वो भी सील्ड रहेगा, मैं आपको दिखवाता हूँ। एक घंटे चला हुआ है भैया? ये मेरे हिसाब से 1,001 घंटे चला हुआ है, कम चला हुआ है। ये सील्ड सेट है जी। तो 2013 या 14 मॉडल। अच्छा, इसकी नई की बात करें तो नई कीमत? नया 3 लाख प्लस का है बाबू जी। ये हमें 1,30,000 का पड़ जाएगा, इसी में कम कीमत में। हाँ जी हाँ जी, इसी में हम थोड़ा सा और नीचे मॉडल में चले जाएँ -2010 तो और सस्ता पड़ जाएगा। आ जाओ मैं दिखवा देता हूँ जी। ये भी 10 केवी रहेगा, महिंद्रा कंपनी का रहेगा। देखिए है ना, मैं अंदर से दिखवाता हूँ, एक मिनट आइए। ये भी 2 सिलेंडर रहेगा और 10 केवी रहेगा जी। मॉडल क्या है? ये मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो 8 या 9 मॉडल रहेगा, और प्राइस की बात करेंगे तो 1,05,000 रुपये का रहेगा। ये MF पैनल है इसमें, लेकिन इसकी कंप्लीट है, पूरा है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि चालू होगा। हम मैनुअल चालू करके देंगे, बटन से बंद होगा, बटन से स्टार्ट होगा, इतनी हमारी गारंटी है। अगर ये चालू ना हुआ तो हो सकता है ना चालू? तो हाँ हो सकता है, लेकिन हमारी गारंटी नहीं है कि हम करके देंगे। इसकी गारंटी ना? हाँ जी हाँ जी, हमारे पास इस तरह का इस लड़का है नहीं जो इसको प्रॉपर देख ले जी। ये है, आइए एक बार आपको आयशर में 62 केवी और दिखवाता हूँ। ये आयशर रहेगा जी, इसका तो पैनल भी बहुत सुंदर है। जी कितने सिलेंडर में है ये? सिलेंडर की बात करें हम तो 4 सिलेंडर रहेगा। आयशर बोल्वो इसको कहते हैं, चीटिस की उधर है। अगर आपके कैमरे में आ सके तो ज़रा टॉर्च दिखा दो तो आ जाएगी, है ना। कौन से? अगर इसकी मॉडल की हम बात करें तो 2017 मॉडल रहेगा, और प्राइस की बात करें तो 3,10,000 रुपये का रहेगा केवल। 3,10,000 का? हाँ जी हाँ जी। कितने केवी का बताए थे ये? 62.5 केवी है। यहाँ लिख रहा होगा भाऊ जी, दिखाना जरा भाऊ जी, हट जाना। 62.5 केवी रहेगा जी जी, ये रहेगा। चलिए मैं और दिखवाता हूँ आपको। ये चला हुआ कितना होगा? ये लगभग 3,3500 घंटे चला हुआ रहेगा। अच्छा, और चल कितना सकता है अभी? इसकी अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 15,000 से 20,000 घंटे चलना चाहिए। और उसके बाद अगर सर्विस करवा लिया तो फिर इतने चल जाएगा? नहीं, उसके बाद अगर एक बार इंजन में रिंग पिस्टन स्लिप ये सब कुछ ठीक पड़ जाए तो 10,000 घंटे सर्विस मिल जाती है हर बार की। हाँ, ऐसे हो जाएगा। हाँ, ठीक है, और दिखा दीजिए। आइए,
मैं यहीं दिखवा देता हूँ, ये आयशर 10 KV रहेगा। अच्छा 10 KV, ये इधर 62.5 के पास 10 KV। हाँ नहीं फिर ऊपर जी फिर उधर से इधर आना पड़ेगा। कैनोपी भी है इसकी? हाँ जी हाँ जी, ये 10 KV रहेगा, आयशर कंपनी का रहेगा और नया सेट रहेगा। ये दिखवाइए ज़रा, ये रहेगा। अच्छा इसकी जाली वाली बनाइए एकदम? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मोटर किस चीज़ की इसकी? ये क्रोमटन कंपनी की मोटर है जी। 10 KV वर्किंग जनरेटर की 100-200 घंटे है। अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करें हम तो ये 2018 मॉडल है, और प्राइस की बात करें तो 1,50,000 रुपये का है। इसी में अगर हम 2010-11 मॉडल में चले जाएं तो समथिंग 1,00,000 रुपये का आ जाएगा जी। अब क्योंकि ये 18 मॉडल है, वर्किंग भी 100-200 घंटे है, इसलिए ये 1,50,000 रुपये का है। वैसे अंदर से भी एकदम नया बना हुआ है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है फरकान भाई और दिखा दीजिए। अब मैं दिखवाता हूँ आपको, ये आयशर 25 KV रहेगा जी, जो हम इधर खड़े हैं। हाँ जी। ये आयशर 25 KV रहेगा, 3 सिलेंडर में रहेगा। मैं अंदर से दिखवाता हूँ, आइए एक मिनट। कितना मॉडल बताए थे इसका? मॉडल की अगर हम बात करें तो 2012 मॉडल रहेगा, सेट सील्ड रहेगा जी। और प्राइस की बात करें तो ये 1,75,000 रुपये का रहेगा। इसी में अगर हम वर्क हुए इंजन में चले जाएँ तो 1,40,000-45,000 तक का भी हमें मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखवाता हूँ। ये सील्ड सेट है, 12 मॉडल जरूर है लेकिन चला बहुत कम है। मोटर तो, इसके भी क्रोमटन है? अल्टरनेटर इसमें क्रोमटन कंपनी का है जी। और ये हमें 1,75,000 रुपये का पड़ जाएगा जी। इसी में अगर हम 12 मॉडल में ही थोड़ा इंजन में वर्क हुए में चले जाएँ तो वो हमें सस्ता पड़ जाएगा, वो मैं दिखवाता हूँ आपको। आइए बाबू जी, ये सील्ड था जी? वो सील्ड था जो अब तक हमने देखा है, वो सील्ड था। और देखिए ये वर्क हुआ हुआ है, देखने में उससे सुंदर लगेगा, देखने में उससे सुंदर है लेकिन इंजन इसको हम सील्ड नहीं कह सकते, इसमें वर्क हो गया है। मगर कस्टमर को दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वर्क हमने ही करा है इसमें। अच्छा, लेकिन सस्ता पड़ेगा ये हमें, केवल 1,45,000 रुपये का पड़ जाएगा। मॉडल की बात करें तो 2012 मॉडल रहेगा। 10 KV का ही? नहीं नहीं, ये 25 KV रहेगा, ये 25 KV रहेगा। और इससे बड़े में हम जाएंगे तो फिर 30 KV आएगा। मैं 30 KV आपको दिखवा देता हूँ, ये रहेगा। आइए, ये 30 KV रहेगा। 30 KV में भी यही आएगा और 35 KV में भी यही आएगा। इसमें इंजन वही है जो 25 KV में हम देख रहे थे। इसमें कंपनी ने ये टर्बो लगाई हुई है तो ये 35 KV तक भी लोड लेने की क्षमता रखता है। टर्बो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये रहेगा और सेट सील्ड रहेगा। मॉडल की बात करें तो ये 2015 मॉडल रहेगा, और प्राइस की बात करें तो ये हमें केवल 2,00,000 रुपए का पड़ेगा। 2,00,000 रुपए का? हाँ जी हाँ जी जी। ये भी ऑक्शन की है? सब सब जितने आप देख रहे हैं सब ऑक्शन का ही माल है बाबू जी। और मैं दिखवा देता हूँ आपको। अच्छा, कितना पुराना काम है आपका जनरेटर का ये? देखिए जी, ये तो हमारा पैतृक काम है, ये हमारा पैतृक काम है जी। ये बात अलग है कि समय समय पर परिवर्तन होते रहे। जब से 2016 के बाद में माननीय मोदी जी ने ये ऑक्शन चालू करा है, तब से हम जैसे छोटे पूंजी वाले लोगों को अवसर मिलना शुरू हो गया है। तो हम लोग ये ऑक्शन में जाते हैं, माल खरीदते हैं, उसको परचेज करके रिपेयर करा के सेल आउट करते हैं। अच्छा, ई ऑक्शन की वजह से कोई भी खरीद सकता है? कोई भी खरीद सकता है। पहले नहीं था ऐसा? पहले क्या है कि काउंटर पर बैठे गए ऑक्शन होते थे, और ये कैमरे पर मैं पूरी बात को नहीं बता पाऊँगा। तो उसमें मोनोपोली थी। अब जब से 2016 के बाद में माननीय मोदी जी ने ये ई ऑक्शन पर जो थोड़ा फोकस दिया है, तो हम जैसे छोटे पूंजी वाले लोगों को अवसर मिलना शुरू हो गया जी। ये मैं और दिखवाता हूँ आपको जी। ये रहेगा 40 KV रहेगा, आयशर कंपनी का रहेगा, 40 KV रहेगा। और मॉडल की बात करें तो 2015 मॉडल रहेगा, और सेट की बात करें तो सील्ड रहेगा। अच्छा। मैं एक बार अंदर से दिखवाता हूँ, बिल्कुल सील्ड सेट रहेगा जी, ये रहेगा। ये रहेगा। अच्छा, रस्सी से कैसे बांध रखी है इसके ऊपर?
ये कंपनी देती है जी रस्सी बांध के, ये एक्चुअली में जब चलता है तो ये भट्टी एकदम गर्म हो जाती है, फिर ये टेम्परेचर डेवलप करती है। अच्छा। तो टेम्परेचर ना बने जनरेटर के अंदर, इसलिए ये भट्टी में ये बांध देते हैं। अच्छा, रस्सी कंपनी कंपनी से ही आती है बंद के बावजूद। मतलब कोई टेक्निकल कंपनी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये रहेगा। रखो मुनीम जी, आ रहा हूँ। अच्छा, कितने का बताया था ये? ये 2015 मॉडल रहेगा, 40 केवी रहेगा, अल्टीनेटर क्रोमटन कंपनी का रहेगा, इंजन सील्ड रहेगा, और प्राइस की बात करें तो केवल 2,30,000 रुपये का रहेगा। इसी में अगर हम वर्क हुए में जाएंगे तो 1,90,000 रुपये का। अच्छा, ऐसे तो कुछ ना कि आप वीडियो में कम दाम बताते हो और जब यहाँ ग्राहक आते हो तो ज़्यादा दाम बताते हो, ऐसा तो कुछ ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ लोगों की शिकायत थी कि जब लोग वहाँ नहीं, उसमें ऐसा हो जाता है जैसे अभी मैंने कहा कि इसी में अगर हम वर्क हुए में, ये 2,30,000 का है, इसी में अगर हम वर्क हुए में जाएंगे तो 1,90,000 का मिल जाएगा। अच्छा। और 40 केवी में ही साइलेंट में मेरे पास आपको 1,50,000 रुपए तक का भी जनरेटर मिल जाएगा। अब कस्टमर फ़ोन पे बात करेगा तो मैं 1,50,000 वाला भी बताऊंगा, लेकिन मेरे पास तो 2,30,000 वाला भी है ना, सब 1,50,000 के ही थोड़े हैं। हाँ हाँ। वो मैं आपको पारदर्शी कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि 2,30,000 का ये है, 1,90,000 का ये है, मेरे पास तो 1,00,000 का भी 40 केवी मिल जाएगा भाव जी। तो ये है, मतलब कंडीशन है और मॉडल इसके ऊपर रेट डिपेंड करता है, भिन्न भिन्न कंडीशन हैं और भिन्न भिन्न ही रेट हैं, मतलब सब एक जैसा रेट नहीं है। इसके लिए ज़्यादा अच्छा ये है कि कस्टमर यहाँ आए और देखें, समझें, कंपेयर करें कि कौन सी चीज़ का क्या रेट है और उसकी टेस्टिंग करें तब लेके जाएं। जब मैं तो एडवाइस ये देता हूँ। अच्छा, आप कौन सा दिखाने वाले हो? हाँ, मैं और दिखवाता हूँ आपको, आइए। ये हमारा आइशर कंपनी का रहेगा, 25 KV रहेगा, ये 25 KV रहेगा, आइशर कंपनी का रहेगा। मॉडल की हम बात करें तो 2019 मॉडल रहेगा, और प्राइस की बात करें तो केवल 2,10,000 रुपये का रहेगा। मैं अंदर से दिखवाता हूँ आपको, सेट सील्ड रहेगा, आइए। अल्टरनेटर इसमें क्रोमटन कंपनी का रहेगा, वो कोई भी हो सकता है, क्रोमटन भी हो सकता है, किर्लोस्कर भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्रोमटन है। अच्छा, आपके जो जनरेटर सेन में ज़्यादातर जो अल्टरनेटर देखे हैं वो क्रोमटन के ज़्यादा हैं? क्रोमटन, किर्लोस्कर, एक्चुअली में हर ये आइशर हुआ, महिंद्रा हुई, एस्कोट हुआ, ये लोग अपने अल्टरनेटर नहीं लगाते। अब जिस साल में जिस कंपनी से कॉन्टेक्ट हो जाए उसी के लगाते हैं, जैसे कि किर्लोस्कर है, क्रोमटन है, लोरी समर है, स्टामफोर्ड है, ये चार कंपनियां हैं जो वर्ल्ड लेवल की बड़ी कंपनियां हैं अल्टरनेटर में, तो इन्हीं के अल्टरनेटर ज़्यादातर आपको जनरेटर में मिलेंगे। किर्लोस्कर एक अपनी ऐसी कंपनी है कि वो इंजन भी अपना देती है और अल्टरनेटर भी अपना ही देती है, मतलब उसका सब कुछ अपना होता है। अच्छा, कीमत क्या बताई थी इसकी? ये हमें केवल 2,10,000 रुपए का पड़ेगा। मॉडल की बात करें 2019 मॉडल रहेगा जी, और सील्ड सेट रहेगा, और 25 KV रहेगा। 25 KV? हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। अच्छा, और कोई दिखाओगे? हाँ, चलिए और दिखवा देता हूँ आपको।